मध्य प्रदेश में जैसे ही बरसात का दौर शुरू हो जाता है तो झरने, नदी, नाले, तालाब भी उफान पर आ जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग भी पिकनिक मनाने के लिए पहुंचना शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर निम्बोला बुरहानपुर वन परिक्षेत्र का झरना भी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पानी की चादर बह रही है, लोग यहां पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिले के साथ आसपास के गांव के साथ महाराष्ट्र के लोग भी यहां पर पहुंचते हैं। छुट्टी वाले दिन पर्यटकों की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है। लोकल 18 की टीम को पर्यटक दानिश रजा खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर बुरहानपुर वन परिक्षेत्र का यह झरना इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बरसात के 4 महीने यहाँ पर पानी बहता है, लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुँचते हैं। आजू बाजू हरियाली और बीच में यह झरना बहता है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहां पर पिकनिक मनाने के साथ पानी में नहाकर आनंद भी लेते हैं। यहां पर 3 से 4 फीट तक पानी रहता है, स्विमिंग पूल जैसा माहौल लोगों को मिलता है, इसलिए लोग यहां पर परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। झरने पर गए, कैसा लगा और क्या लग रहा है और कहां कहां से लोग आ रहे हैं? देखिए, जो निम्बोला वन परिक्षेत्र का जो झरना बह रहा है, ये बारिश के 4 महीने में बड़ा ही एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे बुरहानपुर की नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी, बल्कि हम तो बोल सकते हैं दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं कि इतना प्रसिद्ध पूरे प्रदेश का एक झरना है और 4 महीने पूरी पानी की चद्दर यहाँ पर बैठी है, जिससे जो है लोग यहाँ पर आते हैं। आज हम भी जो है हमारे परिवार के साथ में यहाँ पर आए, पिकनिक हमने मनाया, वो आनंद हमने लिया है यहाँ पर।